हम बात कर रहे हैं HMA एग्रो की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक में हमको 2% के ऊपर की गिरावट के साथ स्टॉक ट्रेड होता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 61 रुपीज़ पर फिलहाल हमको ट्रेड होता नज़र आ रहा है। 7250 के लेवल से रिजेक्शन के बाद स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है, लो और लो पैटर्न बनाते हुए नज़र आया। जहां इससे पहले स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 60 का लेवल, इसी लेवल पर सपोर्ट लेकर रिकवरी आई, लेकिन अगेन स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई। तो इस गिरावट के साथ स्टॉक ने अपने इस सपोर्ट लेवल को, जहां से इससे पहले रिकवरी दिखाया था, इसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन नहीं किया। 60 के सपोर्ट लेवल पर ही स्टॉक हमको काम करता नज़र आता है आ रहा है। अब स्टॉक को 60 के ऊपर सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट है रिकवरी बताने के लिए। अगर स्टॉक 60 के लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है, जिस तरह से चार्ट पैटर्न बता रहा है लो और लो, अगर 60 के लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है तो अगेन हमको फिर 52 से लेके 50 तक का भी फॉल स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन फिलहाल तो स्टॉक हम देख सकते हैं 60 पर सपोर्ट के बाद जंप, छोटा मोटा अगेन गिरावट, तो आपने 60 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया, इसी के ऊपर सस्टेन होता नज़र आ रहा है। सपोर्ट लेवल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब बात करते हैं टारगेट की। अगेन इसमें अब हमको जंप देखने के लिए मिलता है, तो हम देख सकते हैं कहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया है, 6370 का लेवल, ये जो लेवल है यहाँ तक का जंप देखने के लिए मिल सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट कर गया तो फिर वैसे कंडीशन में अगला टारगेट बनेगा ये जो रेड कैंडल, बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है 66 का लेवल, जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर अपने लो को ब्रेक डाउन कर गया। अब स्टॉक को लगातार तेज़ी के बताने के लिए 66 के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर वैसे कंडीशन में यहाँ से हमको अगेन रिकवरी और बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल स्टॉक गिरावट में है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।